वक्त खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ जिले की तहसील अतरोली में वृंदावन से छर्रा लौट रहे युवकों पर हमले से घात लगाए युवकों की बहन के ससुरालियों ने जानलेवा हमला किया। घटना की अनजान इस वक्त खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ जिले की तहसील अतरोली में वृंदावन से छर्रा लौट रहे युवक पर पहले से घात लगाए युवकों की बहन के ससुरालियों ने किया जानलेवा हमला। घटना को अंजाम अतरोली के अवंतीबाई चौराहे पर दिया गया है। घटना में तीन युवक को आई है गंभीर चोट। युवक अंशु की बहन शालिनी से ससुरालियों का पहले से संपत्ति को लेकर चल रहा है विवाद। युवकों का अतरोली CHC में चल रहा है इलाज। गंभीर रूप से घायल सचिन और रजत को अलीगढ़ दीनदयाल जिला चिकित्सालय में किया गया रेफर। घायल अंशु ने दर्जन भर युवकों सहित 5 नामदर्ज लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु वर्मा। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? हम जो है वृंदावन से लौट रहे थे। ये जो लोग हैं हमारे दीदी के सास ससुर और देवर वगैरह, तो इनका घर हमारा घर में विवाद चल रहा है दीदी के साथ। तो दीदी के देख रेख हम ही करते हैं। उनके हस्बैंड की कोरोना से डेथ हो गई थी 1 साल पहले। तो अब हमको बातचीत के लिए बुलाया था इन्होंने। घर का मैटर चल रहा है, उसमें बातचीत के लिए बुलाया था। हम वृंदावन से लौट रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से आया था, तो मैं लौट रहा था वृंदावन से चल रहा। तो अतरौली रानी अवंतीबाई चौराहे पे ये कुछ लोग पहले से ही वहाँ खड़े हुए थे। तो जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो कौन लोग थे वहाँ जो खड़े हुए थे? वही थे, अतुल था एक जो दीदी का देवर है और उसके साथी थे। उन्होंने जो है तेज धारदार हथियार वगैरह करते ही हम पे हमला कर दिया और ईंटें और हमको मतलब बहुत घायल कर दिया। तो किस तरीके से आपने अपनी जान बचाई? भागे थे हम वहाँ से और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? वहाँ पे कांस्टेबल भी खड़े हुए थे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो उन्होंने मतलब देखते रहे बस, कोई मतलब किसी तरीके से कोई वो नहीं उठाया और हम भागे। तो आपने इसकी सूचना कहाँ दी है? मैंने कॉल की थी। आपने इस घटना की सूचना कहाँ दी है? थाना अतरौली।